सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हनी किचन जोन को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी किचन जोन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने किचन में चिकन डोनेट की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और डिलीशियस बनता है। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हम इसे एज ए स्नैक्स और एज ए स्टार्टर के तौर पर भी इसे सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजिली बन जाता है। सो आइए इसके इन्ग्रीडियंट्स हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चिकन डोनेट बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम चिकन मिंस यानी कि चिकन कीमा। इसे हमने फूड प्रोसेसर में डाल के बारीक कर लिया है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने रोस्टेड चने का पाउडर लिया है। 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टी स्पून गर्म मसाला लिया है। 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टी स्पून हमने सौंफ का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया है और ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही कम और ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है 4 ग्रीन चिली और सम कोरिएंडर लीव्स और 1/2 अनियन। इन तीनों को मिला के हमने एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे हमने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। कोटिंग के लिए हमें चाहिए 2 एग्स और 1 कप मैदा और 1 कप हमें कॉर्नफ्लेक्स चाहिए। ये कॉर्नफ्लेक्स बहुत ही इजीली किसी भी प्रोविजन स्टोर में मिल जाते हैं। इसे लेके हमने दरदरा सा कूट लिया है। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ब्रेड क्रम्ब भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट अपना चिकन डोनट बनाना। सो सबसे पहले हम इसमें मिक्स करते हैं अपना ये पेस्ट। ऐड कर देंगे सॉल्ट, गर्म मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सौंफ और जीरे का पाउडर, रेड चिली। ऐड कर देंगे इसमें हम चने का पाउडर और ऐड कर देंगे इस ब्रेड को हम बारीक बारीक क्रश करके तोड़ के। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ हम लेंगे मैदा। मैदे में ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमने एग भी अच्छी तरह विस्क कर लिया है। और ये हमारा कॉर्नफ्लेक्स है, ऐसे हमने ये देखिए इस तरह से किसी भी प्रोविजन स्टोर में मिल जाएगा। इसे बारीक बारीक हमें कूट के एक पाउडर से बना लेना है। अब हम हाथ पे ऑयल ग्रीस करेंगे। अब अपना चिकन डोनट के लिए मिंस लेंगे। इसे अच्छी तरह एक बॉल सी बॉल की शेप में बना लेंगे। मीडियम साइज़ में हमें लेना है। ये देखिए ये परफेक्ट एक बॉल सी बन गई है। अब इसके सेंटर में ऑयल उंगली पे हम अपनी ऑयल ग्रीस करके इसे अच्छी तरह से एक हॉल सा बना लेंगे। ये देखिए अब इसे हम मैदे में कोट कर लेंगे। अब एग में कोट करेंगे। अभी इसे कॉर्नफ्लेक्स में फाइनल कोट करेंगे। ये देखिए कितना अच्छे बन के रेडी हुआ है। इसी तरह से हमें सारे चिकन डोनट बना लेना है। एक और बॉल बना के दिखाते हैं आपको चिकन डोनट की। फिंगर में ऑयल ग्रीस करेंगे और सेंटर में इस तरह से एक हॉल बनाएंगे फिंगर को घुमाते हुए। अब इसे पलट के फिर दोबारा ऑयल ग्रीस करके फिंगर पे इस तरह से एक परफेक्ट सा हॉल बना लेंगे। देखिए अब इसे ये देखिए हमारे सारे चिकन डोनट्स बन के रेडी हो चुके हैं। 1/2 केजी चिकन मींस में हमारे 12 चिकन डोनट बन के रेडी हुए हैं। अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है एक पैन और उसमें हमने ऑयल शिफ्ट कर दिया है इसे फ्राई करने के लिए। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमने 4 डोनट हमने अपने ऑयल में शिफ्ट कर दिए हैं। ये देखिए इसे गोल्डन फ्राई करना है हमें। अब इसे हम फ्लिप कर देते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया, हमें यही कलर चाहिए था अपने डोनट का।
अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसे बाहर निकाल लिया है पेपर टॉवल पे। अब इसी प्रोसेस से हमें सारे डोनट फ्राई कर लेने हैं। इसे फ्लिप कर लेते हैं हम। इसे हम रिमूव कर लेंगे पीछे से, हमारा अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे चिकन डोनट बनके रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बने हैं। ये आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप बनाएंगे तो इसे खाएंगे, सो जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज के आपको हमारे चिकन डोनट की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।